आज हम बनाएंगे मकर संक्रांति के लिए बनने वाला मिठाई मावा और सफ़ेद तिल के साथ में। तो इससे आप बर्फ़ी भी बना सकते हैं जिस तरीके से हम रेसिपी बता रहे हैं, या फिर इस तरीके से जैसे हमने बनाया है लड्डू, तो इस तरीके से आप लड्डू भी बना सकते हैं मकर संक्रांति के लिए बनने वाली मिठाई। तो चलिए बनाना शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई आपकी फ़न फूड एंड जायका। शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दें, और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करें। आज हम बनाएंगे मकर संक्रांति के लिए बनने वाली मिठाई खोया और सफ़ेद तिल से। तो चलिए बनाना शुरू करें। इसके लिए हमने लिया है एक कांच की कटोरी से, छोटी कटोरी साइज से सफ़ेद तिल है। तो सबसे पहले हम तिल कढ़ाई में डाल करके थोड़ा सा सौंधी होने तक भून लेंगे। हल्का सा जब ये चटकने लगे तो समझिए तिल आपका हो गया है। तो इसको हल्की हल्की आंच पे पहले हम भून लेंगे। तिल एकदम बढ़िया से भून गया है। जब तिल भून जाता है ना तो वो एकदम हल्का हो जाता है, जब आप चलाते हैं तो वो एकदम चलाने में बहुत हल्का लगता है, और इसका कलर भी हल्का हल्का सा चेंज हो गया है। तो इस तरीके से तिल भुन गया बढ़िया सा। इसको हम सबसे पहले एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए कितना बढ़िया तिल भुन गया है। और इसी में हम खोया डाल देंगे। ये खोया हमने लिया है 400 ग्राम। तो ये हल्का हल्का इस तरह से हम तोड़ दिए पहले इसको। इसके बाद खोया डाल के थोड़ा सा खोया पहले हम भून लेंगे। तो थोड़ी देर खोया पहले भून जाए हमारा, इसके बाद हम तिल के साथ मिठाई बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से खोया भून करके तैयार हो गया। इसको एकदम लाल नहीं भुनना होता है, पूरा भुनने में इसको कम से कम 5 मिनट का टाइम लगता है। तो इस तरीके से खोया बढ़िया भुन गया। अब इसमें हम ये शक्कर डाल देंगे। ये 150 ग्राम शक्कर हम पहले पीस लिए थे मिक्सर में, तो ये भी डाल देंगे। पहले हम थोड़ा कम डालेंगे और उसके बाद मिक्स कर लेंगे। तो देखेंगे अगर मिठास थोड़ा कम लगता है तो हम थोड़ा और इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से पहले इसमें हम शक्कर डाल लेंगे और इसको थोड़ी देर पहले इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए शक्कर इसमें हमने मिक्स कर लिया है, और जो बचा हुआ शक्कर है उसे हम नहीं डालेंगे क्योंकि इतने शक्कर में ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम ये तिल जो भुने हैं ये तिल डाल देंगे। थोड़ा सा तिल हम बचा लेंगे ऊपर से लगाने के लिए मिठाई पे। तो इस तरीके से और तिल इसके अंदर डाल के इसको थोड़ी देर भून लेंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो इस तरीके से तिल इसके अंदर डाल के थोड़ी देर हम इसको और भून लेंगे। अब इसमें तिल डालने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। ये देखिए ये पूरी तरह से कढ़ाई छोड़ने लगा है जगह जगह से। तो इस तरीके से बन के तैयार हो जाता है तिल और मावा से बनने वाली मिठाई। और इसे आप चाहें तो हल्का सा अपने प्लेट पे हल्का सा घी लगा के देसी उसको फैला दीजिए तो बर्फ़ी की तरह बन जाता है, और ये ठंडा हो जाए तो इसको छोटे छोटे लड्डू की तरह बांध दीजिए तो लड्डू की तरह तब भी तैयार हो जाता है। और इसमें हम 4 से 5 छोटी इलायची कूट के रखें ये लास्ट में डाल देंगे, और उसके बाद इसको ठंडा होने देंगे हम थोड़ी देर के लिए। ये एकदम अच्छे से भून के ये तैयार हो गया है। तो पहले इसको हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया से एकदम ठंडा भी हो गया है, और इसके हम ऐसे छोटे छोटे लड्डू ऐसे बना लेंगे इस तरीके से, गोल गोल लड्डू बना के, और हल्का हल्का इस पर इस तरीके से तिल लपेट के इस तरीके से मावा और तिल के साथ लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। अगर आपको इसको बर्फ़ी के रूप में बनाना है तो इतना ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये थोड़ा गर्म रहता है उसी समय हल्का सा प्लेट पे देसी घी लगा के उसको फैला दीजिए, और फिर जब ठंडा हो जाए तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इस तरीके से बर्फ़ी भी बनके तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से ये लड्डू एकदम बढ़िया मावा और तिल के साथ बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया मावा और सफ़ेद तिल के साथ मकर संक्रांति के लिए स्पेशली बढ़िया सा लड्डू बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे ज़रूर से ज़रूर लड्डू बनाकर ट्राई करें। थैंक यू।